हेलो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हमने देखा कि लेसन वन का एग्रीकल्चर और क्रॉप एंड क्रॉप पैटर्न्स के बारे में देखा। आज हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोले तो जो एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर सीक्वेंस से जो फार्मर क्रॉप्स कल्टीवेट करने के टाइम में करता है उसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिसमें प्लोज मीन्स हल, फिर हो, फिर ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। प्लोजिंग का मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ लोजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोगिंग आर टिलिंग। प्लोगिंग का मतलब है कि जो जमीन की जो मिट्टी है उसे लूज की जाती है। उसके बाद आता है लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मिट्टी को हल्की किस तरह की जाती है, उसमें आता है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब है कि जो प्लोजिंग करने के बाद वुडन प्लंक से मिट्टी को लेवल किया जाता है। अब उसके बाद आता है सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड्स, कि सीड्स को हमें किस तरह, सीड्स की पसंद की किस तरह करनी चाहिए। उसमें ओनली सीड्स कैसे होने चाहिए ताकि हेल्दी डिसीज फ्री, ऐसे सीड्स को हमें सेलेक्ट करने चाहिए। और सीड्स को फंगीसाइड्स मींस फूग से, फूग बगर के सीड्स सोइंग में होने चाहिए। सोइंग ऑफ ए सीड इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सोइल। सोइंग का मतलब है कि बीज को हमें जमीन के अंदर बोना। उसके बाद आता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि सीड्स को ट्रांसफरिंग करना, मींस छोटे छोटे नर्सरी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसे दूसरी जगह फिर से बोकर उगाना, उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। उसमें नेचुरल मेथड्स टू रेस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, कुदरती रीते हम सॉइल को फर्टाइल मींस फलद्रुप बना सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप रोटेशन मींस अल्टरनेट सोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। इसके बाद आता है बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ तो इस तरह हम करते हैं, तो कि मैन्योर का मतलब है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है और वो प्लांट्स को डिकम्पोजन करता है, जिससे मिट्टी के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उसको फर्टाइल करते हैं। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो कि वो मैन मेड केमिकल सब्सटेंस है जिससे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है जो वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट ए रेगुलर इंटरवल्स थ्रू सोर्स अदर देन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। बारिश के अलावा हम प्लांट्स को जो वाटर सप्लाई करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स में, उसे इरिगेशन बोलते हैं। और वो क्रॉप्स इरिगेशन बेस्ड से ही ग्रो होते हैं। अब बच्चों देखो, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में टू टाइप्स आते हैं, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है, तो कि ये सिस्टम में पाइप में छोटे छोटे होल किए जाते हैं और उसी होल में बूंद बूंद पानी सभी क्रॉप्स को मिलता है। ऐसे मेथड को ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। और स्प्रिंकल सिस्टम में क्या है, तो कि वो स्प्रिंकल सिस्टम जो पाइप में छोटे छोटे होल होते हैं और वो फाउंटेन की तरह निकलता है उसे स्प्रिंकल सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। तो हम क्रॉप्स को किस तरह प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, तो कि अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद ए कल्टीवेटेड क्रॉप इन ए फील्ड इज कॉल्ड वीड्स। वीड्स मीन्स जो क्रॉप्स के आजू बाजू फालतू का जो घास उगता है, ग्रास होता है, उसे वीड्स कहते हैं। तो वीड्स को निकालने के लिए मैकेनिकल मेथड से निकाला जाता है, जिसमें गार्डन ट्रोवल होता है और हैरो होता है।
जो मैकेनिकल मेथड से ब्लोजिंग किया जाता है, वीड्स को निकाला जाता है उसे, वो हैंड थ्रू या ब्लोजिंग थ्रू निकाला जाता है। और केमिकल मेथड से वीड्स को किलिंग किया जाता है, मींस केमिकल वीडिसाइड्स करके एक स्प्रे होता है जो हम वीड्स के ऊपर स्प्रे करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या मर जाता है। अब आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मेंशुरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स जो क्रॉप्स उगकर बड़े तैयार हो जाता है उसे गैदरिंग मीन्स इकट्ठा किया जाता है और मशीन से उसे काटा जाता है, उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आफ्टर द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाई प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या है कि जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं फिर उसको ग्रेन से अलग किया जाता है, उसे थ्रेशिंग बोलते हैं। देखो बच्चों, ये थ्रेशिंग मशीन है। उसके बाद आता है विनोविंग। विनोविंग का मतलब क्या है कि विनोविंग हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क, मीन्स कचरे में से अनाज के दानों को अलग किया जाता है, जिसे विनोविंग बोलते हैं। इसके बाद आता है स्टोरेज। अब जब क्रॉप्स तैयार होकर फील्ड्स में से निकलते हैं तो उसको हमें स्टोर करना पड़ता है, तो वो स्टोरेज पहले उसे सनलाइट में ड्राई किए जाते हैं और उसके बाद मैकेनिकल ड्रायर्स से उसे सुखाया जाता है, जिससे वो इंसेक्ट्स पेस्ट बैक्टीरिया से प्रिवेंट हो सकते हैं, मीन्स उसे हम बचा सकते हैं। देखो ये स्टोरेज है, जिसे स्टोरेज करके ग्रेन्स को इस तरह रखा जाता है, एक ग्रेनरी से एक सिलो से। देखो बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे इंक्रीसिंग क्रॉप यील्ड। देखो हमारे देश में बहुत सी जनसंख्या बढ़ती गई है, जिससे हम पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने से क्रॉप का प्रोडक्शन भी हमारे कंट्री में ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए उसके लिए अलग अलग प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है? तो कि हाइड्रेशन इज़ ए टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स बाय क्रॉप ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज। हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि एक साइंस के टेक्निक के मुताबिक दो वेराइटी के क्रॉप्स को ब्रीडिंग, मीन्स दो क्रॉप्स को एक साथ सोइंग करके उसमें से अलग अलग सीड्स बनाए जाते हैं, उसे हाइड्रेशन कहते हैं। उसके बाद आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स के पास से हमें फूड किस तरह मिलता है? तो हमें एनिमल्स नीड गुड फूड शेल्टर एंड केयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन। तो एनिमल्स को रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खुराक चाहिए और उसको बढ़ने के लिए फूड प्रोडक्शन चाहिए। द साइंस दैट डील्स विद ब्रीडिंग फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो आज विज्ञान हमें ब्रीडिंग फीडिंग और केयरिंग के एनिमल्स का केयर हम किस तरह रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को केयरिंग करने के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। इसके बाद आता है पिशिकल्चर। पिशिकल्चर का मतलब है कि जहाँ पर ज़्यादा स्केल में फिश को रखा जाता है, जिसे फिश नर्सरीज कहते हैं, उसे पिशिकल्चर कहते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।